हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेंस फार्मूला को, कि लेंस फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है, उसके डेरिवेशन को, मैग्निफिकेशन के फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे लेंस के लिए। उसके बाद हम लोग पावर को समझेंगे, पावर के फार्मूला को समझेंगे। और फिर हम लोग समझने वाले हैं रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन थ्रू फ्रॉम कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। इससे प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया, लेंस मेकर फार्मूला हो या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हो या फिर प्लेन सरफेस हो, रिफ्लैक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, कहने का मतलब जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कॉम्पिटेटिव प्लस बोर्ड्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं लेंस के ऊपर डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देना पसंद करूंगा कि व्हाट इज लेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेंस को, लेंस 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 लेंस, जब तक हॉर्न बजाता रहेगा मैं भी लेंस लेंस चिल्लाता रहूंगा, साला मूड खराब कर देता है। बताइए, तो हाईवे के बगल में मकान हो तो यही परेशानी है साला दिन भर। खैर छोड़िए, भावुक नहीं होना है मुझे। लेंस, व्हाट इज लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला, उसको पहले समझते हैं। जो जो यहाँ पर पॉइंट्स हम लिखेंगे, सबसे पहले लेंस फार्मूला हम लोगों ने फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं n से लिखता हूँ इसलिए n लिखूंगा, n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये चीज़ें, ये लेंस फार्मूला हम लोगों ने समझा हुआ है, ये लेंस फार्मूला हम लोगों ने समझा हुआ है, ठीक है। तो लेंस की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करूँगा और लेंस के ऊपर बेसिक चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेंस, आइए सबसे पहले लेंस, तो लेंस के टाइप को देख लीजिए। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसमें एक आता है इस तरह का, ठीक है, एक आता है इस तरह का, इसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि एक हिस्सा इसका प्लेन है इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। दूसरा आता है कुछ इस तरह का, ठीक है, दूसरा कुछ इस तरह का आता है, इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में मेन कॉन्वेक्स है जिसको हम लोग सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। अब मैं कॉनकेव बनाता हूं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर देख लीजिए, ये है कॉनकेव लेंस, इसको भी हम लोग बाई कॉनकेव बोलते हैं, बाई कॉनकेव, इसमें भी ये कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव, और एक कुछ इस तरह का आएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये बात समझ में आ गई आपको। ये छह टाइप के लेंस आपको देखने को मिलेंगे और होते हैं, बेसिकली हम लोग यही को, इसी को पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट समझना है। लेंस मेकर फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, और आप प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी टॉपिक उठाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई भी टॉपिक उठाकर देख सकते हैं, जाके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ समझना है, क्या समझना है, देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/f, ठीक है। फॉर्मूला क्या है 1/f, तो मैं ब्लू कलर से लिखना पसंद करूंगा, 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब समझिए r1 क्या है, यहां पर r1 क्या है, r1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर s1, सरफेस 1 के लिए, और R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर S2 के लिए। सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर और सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैसे सर, आइए पहले कॉन्वेक्स में हम लोग समझते हैं। कॉन्वेक्स में इस चीज को समझ लेंगे अच्छे तरीके से तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें हम लोग यहां से एक सर्कल ये मिला हमें, और दूसरा सर्कल अगर मैं ध्यान से देखूं तो दूसरा सर्कल हमें ये मिलेगा, ठीक है। ये हालांकि सर्कल नहीं है लेकिन मैं बनाना
बनाने की कोशिश करूंगा। ये दो सर्कल, अब देखो आप ध्यान से, ये सेंटर, यहां से हम लोग इस दोनों के मिड पॉइंट से सेंटर को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये S1 है और ये सरफेस S2 है, तो S1 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा R1, ये R1 हो जाएगा S1 के लिए, और S2, ये S2 है तो S2 के लिए हो जाएगा R2, S2 के लिए हो जाएगा, तो ये R1 और ये R2, बात समझ में आ रही है, ये R1 और ये R2 है। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस वन के लिए, और R2 हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस टू के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम। अब आगे बात करते हैं, रेडियस R1 R2 समझ गए सर। अब इस फॉर्मूला को इसमें तो हम लगा सकते हैं, इसमें R1 R2 है, लेकिन इसके लिए प्लेनों के लिए जब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा ना, प्लेनों के लिए, प्लेनों, प्लेनों के लिए जब आप, प्लेनों कॉन्वेक्स के लिए जब आप फॉर्मूला लगाइएगा, तो 1 बाई ए बराबर 1 बाई सरफेस 1, ये सरफेस 1 हो जाएगा, और प्लेन है इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और 1 बाई आर 1 की जगह आपको डालना पड़ेगा इन्फिनिटी माइनस 1 बाई आर 2। तो जब आप इसके लिए काम करोगे तो 1 बाई ए बराबर आ जाएगा n माइनस 1, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है तो माइनस 1 बाई आर 2। ये प्लेनों का, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और चीज मैंने क्या बताया था कि अगर कॉन्वेक्स हो, देखिए ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा पॉजिटिव, और R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन वही अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, ये कॉनकेव की बात करूं, तो कॉनकेव की अगर मैं बात करूं तो S1, तो ये हो जाएगा R1, और ये S2, तो ये हो जाएगा R2, तो इसमें R1 निगेटिव हो जाता है और R2 पॉजिटिव हो जाता है कॉन्वेक्स कॉनकेव में, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो न्यूमेरिकल बनाने में काम देंगे और जरा भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और वो डाल भी दूंगा या डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, एकदम गारंटी के साथ कि न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपसे, और कैसे बनेंगे लाइव प्रूफ मैंने उसमें दिखाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं एकदम कि हाउ टू एकदम न्यूमेरिकल्स बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं क्या बताऊँ। आप आकर वापस मुझे कमेंट करके जो बोलना हो बोल देना कि सर मेरा न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ उस लेक्चर को लेकर, उस वीडियो को लेकर के, कि देखो न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, लेंस के टाइप्स को समझ लिया है, इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें जो थी वो हम लोगों ने कर लिया है, कि R1 किसके लिए पॉजिटिव होगा, R2 कब निगेटिव होगा, कॉनकेव में R1 निगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। प्लेनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो सरफेस वन है तो इसका आर वन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ भी सेम काम करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये चीज़ें, अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि मुझे जगह मिल जाए और मैं अच्छे से आपको चीज़ें समझा सकूँ। मेरी यादों में, मेरी बातों में, मेरी बातों में, मेरी यादों में, चलिए आइए, छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें करूंगा हम लोग, करेंगे, सॉरी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये वो पॉइंट है जहां से रेज जाती है अनडेविएटेड। सर ये अनडेविएटेड का मतलब क्या है, घबराइए नहीं, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां से जो भी रेज जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, अनडेविएटेड। सर थोड़ा इसको और अच्छे से बताइए, आइए और अच्छे से बताता हूं, थोड़ा थिक बनाया हूं। अब देखिए यहां पर मैं एक नॉर्मल डाल दूं, अब समझिए कोई रे यहां ऐसे आई, ठीक है, कोई रे यहां ऐसे आई, इसको जाना था ऐसे, क्योंकि ये रेयरर है और ये डेंसर है, ये रेयरर है, रेयरर है, तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ झुकी, और जैसे ही यहाँ पड़ेगी तो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और ये ऐसे निकल जाएगी। तो देखिए ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से क्या रेस कैसी गई, अनडेविएटेड गई है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये कहाँ काम करेगा, लेंस, लेंस में, और लेंस जब कैसा हो, थिन हो, ये सारी चीज़ें, सारा कंसेप्ट किसके लिए है, थिन लेंसेस के लिए, ठीक है, थिन लेंसेस के लिए सारी कहानी है। तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग समझ गए,
अब ऑप्टिकल सेंटर के बाद एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई नई चीज आप नहीं पढ़ रहे हो, सब समझा हुआ बात आप पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं फर्स्ट फोकस की। फर्स्ट फोकस क्या होता है? फर्स्ट फोकस उसके उसे कहते हैं जिसके लिए इमेज बने इन्फिनिटी पर और ऑब्जेक्ट हो फोकस पर, ऑब्जेक्ट हो फोकस पर। तो यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऐसे गई और ये पैरेलल, ठीक है। इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पर, तो ये हो जाएगा F1, इसको बोलेंगे F1। सेकंड फोकस किसे कहते हैं? सेकंड फोकस सर उसे कहते हैं जिसके लिए इमेज हो कहां पर? F पर, और ऑब्जेक्ट कहां हो? इन्फिनिटी पर। आइए सर ये भी देख लीजिए, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू से दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। पैरेलल रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हुई, फोकस पर मिली, ये हो गया F2। तो फर्स्ट फोकस के लिए ये कंडीशन, सेकंड फोकस के लिए ये कंडीशन। तो जो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, सब में आपको F1 मिलेगा, इसमें F1 इधर मिलेगा और इसमें F2 इधर मिलेगा, इसमें F1 इधर मिलेगा, इसमें F2 इधर मिलेगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर समझ गए, जहां से रेज अनडेविएटेड बिना डेविएट हुए जाए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से एक लाइन पास होगी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। पैरेलल रेज इमेज अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो उसको फर्स्ट फोकस कहा जाएगा, और अगर इमेज एफ पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो उसको सेकेंड फोकस कहा जाएगा। तो ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हम लोगों ने लेंस के बारे में समझ ली है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो लेंस हम लोगों ने समझ लिया, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने समझ लिए है, और अब हम लोग काम करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, अब हम लोग बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। आइए लेंस फॉर्मूला जल्दी जल्दी आसान शब्दों में डिराइव कर लिया जाए। एक ऑब्जेक्ट, एक लेंस है यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए जो भी हम लोग यहाँ जो सिचुएशन ले रहे हैं वो कॉन्वेक्स के लिए, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना वो सारे लेंस के लिए काम करेगा, सारे लेंस के लिए। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अब इसमें F1 F2, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया है, ये F1 ये F2, ठीक है, F1 F2 हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है A B, ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम देखिए, रे डायग्राम तो समझिए कि आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो कॉनकेव मिरर है, मतलब जो केसेस आपने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़े ना, सेम टू सेम वो सारी चीजें कॉन्वेक्स लेंस में मिलेंगे आपको, और जो जो बातें आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा है वो सारी चीजें आपको मिलेगी कॉनकेव लेंस में। बात समझिए एकदम, मतलब अगर आपके दिमाग में, मैं सीधा एक शब्द में कहूं, अगर इसे एक वर्ड में, वन वर्ड में अगर मैं कहना चाहूं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका कॉनकेव मिरर पर कमांड है ना, तो आपने कॉन्वेक्स लेंस पर भी कमांड किया हुआ है, और अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर पर कमांड है तो आपने कॉनकेव लेंस पर भी कमांड किया हुआ है। मैं अब समझिए कहने का मतलब क्या है, सेम टू सेम जो रिजल्ट मिरर जब आपने इमेज बनाया था, इमेज फॉर्मेशन जब आपने बनाया था, जो 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 आपको कॉनकेव मिरर में जो जो केसेस मिले थे, सेम टू सेम, डिट्टो डिट्टो, हूबहु, एकदम डिट्टो डैम कॉन्वेक्स लेंस में मिलेंगे आपको। आइए यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इमेज फॉर्मेशन, तो एक रे पैरेलल जाएगी, आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक्चुअली में कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग, एकदम सेम टू सेम है, बोले ना भाई जुड़वा है वो। अब पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी कहां से, फोकस से, निकल गई फोकस से, दूसरी रे गई यहां से अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर से और जाकर मिलती है, मिलाना पड़ेगा हमको, यहां पर मिली और इमेज बनी बी डैश ए डैश। इमेज कैसी बनी? B डैश A डैश, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है।
सर एक रे मैं यहां से भी भेजूंगा, एक रे यहां से भी गई ऐसे, एक रे ऐसे गई, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट रेस, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेस पास होती है, लेकिन हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए 2-3 इतना लेते हैं ताकि हम काम कर सके। सीधा सीधा बात है, आप फिर से रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हो। अब इसमें देखो, ओ माय गॉड, इंक गिर गया, सॉरी मार्कर गिर गया था और कुछ ज्यादा ही आवाज हो गई, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो ये एंगल है, इस एंगल को क्या मान सकते हैं, तो इस एंगल को मान लीजिए थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी हो जाएगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलते हैं यू, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से यहां इमेज बना है तो इसको बोलेंगे हम लोग वी, इसको मैं यहां दिखाता हूं, ये वी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी नहीं बदलेगा, साइन कन्वेंशन भी यही है कि सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से, और जिधर जाए इंसिडेंट रे उस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, जिधर जाए इंसिडेंट रे उधर आपको क्या ले लेना है, पॉजिटिव, तो यहां से वी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, यहां से इधर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है और आप इधर बढ़ रहे हैं, इसलिए यू निगेटिव होगा, वी पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का हाइट निगेटिव, तो साइन कन्वेंशन जरा सा भी बदलने वाला नहीं। अब आते हैं, बात करते हैं यहां पर, तो ध्यान से देखिए, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है लेंस का, तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, ब्लू से काम कर रहा हूं। हमारे पास दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं, दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए यहां पर ये 90 डिग्री है क्योंकि अपराइट खड़ा हुआ है, यहां पर भी ये 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश क्योंकि इच कितना है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश बी, सॉरी ओ बी डैश क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफोर ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के बाई कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, ए ए सिमिलैरिटी, ए ए सिमिलैरिटी। और आपको मालूम है, मैथ्स अच्छा होगा आपका तो आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो, मतलब ए बी बाई ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी ओ बाई बी डैश ओ, ठीक है। और हाइपोटेनस वाले से हमको कोई लेना देना नहीं, इसलिए सिंपली हम लोग यही रिजल्ट अभी लेते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने काम कर लिया, ए बी बाई ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या काम करना है, तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो ए बी हो गया है, ए डैश बी डैश हो गया है, उसके बाद बी ओ हो गया है और ओ बी हो गया है, तो अब हम लोग आगे काम करते हैं। ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिया, अब आगे क्या काम करेंगे, तो आगे काम ये करना है कि एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो यहां पर ए है तो इस पॉइंट को यहां मिला सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को यहां मिला दीजिए और इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए डैश, ठीक है, ए डैश रख दिया। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो अब ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डैश ओ एफ टू, ओ एफ टू एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डैश बी एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। अब ध्यान से देखिए, तो ये 90 तो ये भी 90, तो एंगल ओ बराबर एंगल बी डैश हो जाएगा क्योंकि इच कितना है 90 डिग्री, और जितना एंगल यहां पर बनेगा उतना ही एंगल यहां पर बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो इसको थीटा मान लेते, तो इसको अल्फा मान लीजिए, अल्फा अल्फा, तो एंगल ए डैश एफ टू ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश एफ टू ए डैश, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली, तो देयरफोर ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, देयरफोर ट्रायंगल ए डैश ओ एफ टू सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ टू बाई कौन सा क्राइटेरिया, तो ए ए सिमिलैरिटी से, तो आपको मालूम है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, तो यहां पर ए डैश ओ
ए डैश ओ बराबर हो जाएगा किसके, ए डैश बी, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ टू, ओ एफ टू बाई हो जाएगा एफ टू बी डैश या बी डैश एफ टू, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं टू और यहां मान वाले को मान लेते हैं वन। अब समझिए बात, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, तो ए बी यहां बराबर है और वहां ए ओ डैश जो है एक्चुअली में ए डैश ओ, ये किसके बराबर, ए बी के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं ए डैश ओ को क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बाई बी डैश एफ टू, इसको मान लेते हैं टू, ठीक है। ए डैश ओ, जितना ए डैश ओ है उतना ही ए बी, यहां लिख लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है, क्या बात। अब देखिए ए बी बाई ए डैश बी डैश यहां भी है, ए बी बाई ए डैश बी डैश यहां भी है, तो वन एंड टू से अब मैं कलर चेंज करूंगा, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से अगर हम देखें तो ए ए बी बाई ये वाला हिस्सा देखिए, देखो अगर आप ध्यान से, ये वाला यहां भी है और ये यहां भी है, तो वन एंड टू से बी ओ बाई, बी ओ बाई बी डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ टू बाई बी डैश एफ टू, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। अब वैल्यू डाल दो, बी ओ क्या है, यू माइनस यू, साइन कन्वेंशन माइनस यू इधर, बी डैश ओ क्या, वी, ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या होगा, फोकल लेंथ, आपको मालूम है यहां से यहां की दूरी फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स की फोकल, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो यहां डाल दो एफ, और बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू निकालना है, तो बी डैश एफ टू के लिए हम क्या करेंगे, ओ बी डैश में से ओ एफ टू को घटा देंगे, इतना हमें निकालना है यहां से यहां, ये इतना निकालना है, ये इतना हमको निकालना है, ये इतना हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इतना को घटा देंगे, पूरा कितना है v, तो b डैश एफ टू को, b डैश एफ टू को हम क्या लिख सकते हैं, b डैश ओ में से घटा देंगे किसको, ओ एफ टू को, यहां वैल्यू डाल दीजिए, माइनस यू बाई वी बराबर एफ बाई बी डैश ओ, बी डैश ओ कितना है v, माइनस ओ एफ टू, ओ एफ टू कितना है f, v माइनस f, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आ रहा है सर, implies that, implies that, implies that। अब इसमें क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या क्या मिलेगा, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस यू वी, माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर, इसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा वी एफ, ठीक है। अब ये आ गया, अब क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय U V U F, दोनों तरफ V U F से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ V U F से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया माइनस यू वी प्लस यू एफ वी एफ, दोनों तरफ V U F से डिवाइड कर दीजिए, तो V U F से डिवाइड, V U F से डिवाइड, V U F से डिवाइड, देखिए कौन कौन उड़ने वाला है, U से U उड़ गया, U से U ढिचिक ढिचिक, V से V ढिचिक ढिचिक, F से F ढिचिक ढिचिक, U से U ढिचिक ढिचिक, F से F ढिचिक ढिचिक, V से V ढिचिक ढिचिक। अब फॉर्मूला देखो क्या आया, माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई वी बराबर वन बाई यू, ठीक है। अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो हो जाएगा वन बाई वी, यू इधर आ गया, माइनस वन बाई यू बराबर वो इधर चला गया वन बाई एफ, तो ये आ गया लेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला, क्या बोलेंगे, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन एकदम समझ में आया है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट हम यहां लिख लेंगे, उसके बाद अब हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे इसमें से, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, सेम चीज यहां काम करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं यहां जगह चाहिए मुझे, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से एक चीज ध्यान से देखो, तो बी ओ,
बी ओ और बी डैश ओ, बी डैश ओ यू और वी, ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज। तो ये यहां पर है, मैं क्या कर रहा हूं इस पूरे कैलकुलेशन को मिटा दे रहा हूं, रिजल्ट तक मैं पहुंच गया हूं, अब मैं आगे काम कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। अब समझिए ये रिजल्ट मैं रहने दे रहा हूं, अब यहां से काम करना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन, चलिए आइए मैग्निफिकेशन पे काम करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या बोलो लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन, एक और नाम से जानते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स के भी नाम से जानते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम फिगर, फिगर से अगर हम ध्यान दें, फ्रॉम फिगर तो m बराबर है h i बाय h o, और h i हाइट ऑफ इमेज क्या है a डैश b डैश, a डैश b डैश, तो a डैश b डैश बाय h o a b, और a डैश b डैश यहां है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b o बाय b डैश o डैश, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो b डैश o बाई बी ओ। तो एम का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, ए डैश बी डैश एच आई बाई एच ओ बराबर बी डैश ओ, बी डैश ओ क्या है बी डैश ओ, बी डैश ओ क्या है वी, वी बाई ये क्या हो जाएगा माइनस यू। तो एम बराबर एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया किसका, मैग्निफिकेशन का। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया कि मैग्निफिकेशन क्या है। उसके बाद देखिए ये जो रिजल्ट है ना, हम लोग कॉन्वेक्स की लेंस पर लेकर आए हैं, लेकिन ये सारे लेंस पर काम करेगा, ठीक है, कॉनकेव पर भी कॉन्वेक्स पर भी सब पर काम करेगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, जो कॉनकेव मिरर है वही कॉन्वेक्स लेंस है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वही कॉनकेव लेंस है, जरा भी 19-20 नहीं है। लेंस फॉर्मूला आ गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, जगह बचाने का काम करते हैं और रिजल्ट को सिर्फ नोट करते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या क्या है, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, 1/v - 1/u = 1/f, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू, ठीक है। इसमें सारी चीजें हम साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं, पुट 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 लिली पुट, पुट 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 लिली पुट, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें डाल लिख देता हूं पुट वैल्यूज विथ साइन, पुट वैल्यूज विथ साइन, साइन के साथ आपको सारे वैल्यूज डालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से सर समझ में आ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं आगे काम कर सकूं, ठीक है। तो आइए इसको मिटा दिया जाए, पावर, अब पावर के भी फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, पावर क्या होता है, ठीक है, पावर के फॉर्मूला को भी डिराइव करके यहां पर लिख लेता हूं पावर क्या होता है, ठीक है। तो आइए पावर के बारे में बात करें, ओहो हो थिन लेंस, गर्मी बहुत है यार, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी है, खैर थिन, आइए पावर की बात करें, पावर POWER पावर, पावर क्या होता है, पावर को कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ, ये सब छोटा छोटा टर्म है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट और वो कहते नहीं है कि इसमें हाई लेवल की कोई चीज नहीं, बस सीधे समझिए, मतलब दैट इज पी बराबर 1/f, ये पावर का फॉर्मूला है।
इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट होता है फोकल लेंथ मीटर, तो मीटर इनवर्स, या हम लोग डायोप्टर के नाम से भी जानते हैं, डायोप्टर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स, इज मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर। साफ पता चल रहा है कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, फोकल लेंथ मैक्सिमम, फोकल लेंथ मैक्सिमम, पावर इज मिनिमम, मिनिमम वाइस वर्सा कर दो यार, मतलब फोकल लेंथ मिनिमम तो पावर मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? तो पावर का फॉर्मूला आ गया 1/ फोकल लेंथ। तो यहां लिख लेते हैं पावर का फॉर्मूला, पावर बराबर हो जाता है 1/ फोकल लेंथ, 1/ फोकल लेंथ, ठीक है। पावर बराबर हो गया 1/ फोकल लेंथ, इसको भी घेर दीजिए, ये पावर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया 1/f, तो इसको यहां पर हम लोगों ने लिख लिया है। अब एक चीज और आप देखो, तो ये जो फॉर्मूला है 1/f बराबर, तो इसको हम लोग पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या करना होगा? तो सिंपली 1/f की जगह हम क्या लिख देंगे? पावर लिख देंगे। तो 1/f बराबर पावर बराबर 1/f की जगह हमने क्या लिख दिया? पावर। तो हो जाएगा n माइनस 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो ये हमने पावर का फॉर्मूला लिख, मतलब सेम चीज लिखा है पावर के टर्म में, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। इसमें एक चीज और समझिए कि जो हम लोगों ने अभी लेंस फॉर्मूला से इमेज ऑब्टेंट किया था, तो उसमें इमेज बनी थी इधर, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो निगेटिव होगा। तो इस फॉर्मूला में एच आई की जगह साइन क्या डालेंगे? माइनस वाला साइन डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो लेंस हम लोगों ने समझ लिया है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं और इमेज फॉर्मेशन की बात करें जल्दी जल्दी। और मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपसे कहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वही कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, तो हेडिंग दे देता हूं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग काम करेंगे किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। देखिए मैंने ये जो कहा ना कॉनकेव मिरर, याद कीजिएगा, कॉनकेव मिरर में जहां जहां ऑब्जेक्ट रखा जाता था और जहां जहां इमेज बनती थी, सेम टू सेम चीज कॉन्वेक्स लेंस में आपको देखने को मिलेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है F1 F2, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहां रखें? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। इमेज कहां बनेगी? देखिए एक रे ऐसे गई, ठीक है, एक रे ऐसे गई फोकस से पास हुई, ठीक है, एक रे ऐसे गई फोकस से पास हुई, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल को फोकस पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएट हो गया, ऐसे चली गई, क्या ये मिलने वाला है? ये तो डाइवर्ज होता चला जा रहा है। जब आप इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा, इस इमेज को यहां फिलहाल मिटा देता हूं, जब आप इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये मैंने पीछे प्रोड्यूस किया है जबरदस्ती, जबरदस्ती कहने का मतलब है कि इधर तो मिलने से रहा, तो जब ये इधर मिलेगा नहीं तो इधर मिलेगा, और इधर मिलेगा तो डॉटेड लाइन इस बात का सबूत है कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। यहां पर चक्षु बना दीजिए, चक्षु बना दीजिए, इमेज यहां दिखेगी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसकी इमेज हो गई। नेचर कैसा है? आइए नेचर लिखने का काम करें। सबसे पहले इमेज कैसी बन रही है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज कहां बन रही है? सेम साइड बन रही है। कैसी बन रही है? तो बड़ी बन रही है इसलिए इनलार्ज। अब आप याद करो, कॉनकेव मिरर में भी जब आप पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो सेम नेचर वाली इमेज बनती थी, याद होगा? तो एकदम बोले ना, एकदम सेम टू सेम है भाई, एकदम सेम टू सेम है यार। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं, ये हमने पहला केस समझ लिया, ठीक है, फर्स्ट केस हम लोगों ने समझ लिया है। सेकेंड केस को देखते हैं, सेकेंड केस फिर से ये लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखिए फोकस पर। इमेज कहां बनेगी? एक रे पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, दूसरी रे ऐसे, तो
तो ये दोनों जो है पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो गई तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तो नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी, और कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड। आइए तीसरे केस को डिस्कस किया जाए। तीसरा केस क्या है, थर्ड केस क्या है, जब आप ये लेंस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 F2, तो याद कीजिए ये मिरर में हम लोग क्या काम करते थे, ये पोल F और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फोकल लेंथ F हुआ करता था और ये 2F हुआ करता था, R R बराबर 2F, याद होगा आपको। सेम टू सेम यहाँ है F1 है तो इसको हम लोग 2F1 लिखेंगे और यहाँ 2F2 लिखेंगे, मतलब ये इतना से इतना R और ये भी इतना से इतना R। तो जो चीज़ यहाँ C का, जो C सेंटर ऑफ कर्वेचर काम करता है वो यहाँ 2F1 और 2F2 काम करता है, ठीक है। तो इसको मिटा दो यार, ठीक है, इसको मिटा देते। अब समझिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। अब रखते हैं F1 और F2 के बीच में, ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 और F2 के बीच में, और F1 और F2 के बीच में रख दिए। एक रे इसमें से पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी, F2 से पास करेगी, सॉरी F2 यहाँ खिसका दो यार, F2 से पास करेगी, ठीक है। अब दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई बिना डेविएट हुए, तो ये यहाँ पर, तो ये इमेज इसका, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, मैं बता रहा हूँ, इमेज बनेगी आपकी ये F1, ये F2, सॉरी 2F2, और इमेज इसकी बनेगी यहाँ पर, ये इमेज बनेगी इसकी, ये इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, नेचर लिख लो, नेचर कैसी बनी इमेज, तो इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरी रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरी इमेज का भले दूसरा नेचर क्या है, इन्वर्टेड बनी है, कहाँ बनी है, तो बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F2 से आगे बनी है, और कैसी बनी है, तो बड़ी बनी है, इनलार्ज। अब याद करो आप कनकेव मिरर यार, याद करो कनकेव मिरर, क्या आप वहाँ F और C के बीच में रखते थे तो बियॉन्ड C बनती थी इमेज, सेम टू सेम, बोले ना भाई रिपीट हो रहा है यार, ये सब चीज़ें रिपीट हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, F2 2F2। अब देखो बताने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ, अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, 2F2 पर। अब याद करो कनकेव मिरर में जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज बनती थी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने 2F1 पर रखा है तो इमेज आपको मालूम है कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर बनेगी। एक रे पैरेलल जाएगी, एक रे पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास हुई, ठीक है। एरो देना है, एरो देना है, मेन तो एरो की कहानी है, ठीक है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, अनडेविएटेड गई, और यहाँ इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। ये थोड़ा फ्री हैंड है इस वजह से टेढ़ा हो गया है, घबराने की बात नहीं है, ये यहीं पर इमेज बनेगी। नेचर लिखिए सर, नेचर कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरी कहाँ बनेगी, एट 2F2 पर बनेगी, और कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी, सेम साइज बनेगी। SS मतलब स्क्रीनशॉट नहीं, समझ लीजिएगा, SS2 स्क्रीनशॉट नहीं है ये, सेम साइज, सेम साइज, बात समझ में आ रही है। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है, ये हमने समझ लिया कि रेडियस ऑफ इन्वर्टेड और ये चीज़ें। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2F1 के आगे, मतलब बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनती थी, पोल और सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए जब हम लोग बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इसको मिटा दो, मुझे जगह चाहिए भाई, मेरे को जगह चाहिए, बोल रहा हूँ मेरे को जगह चाहिए। चलिए आइए, कहीं नहीं आइए, घरे बैठिए, कोरोना का टाइम है, लेक्चर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, F1 2F1, ऑब्जेक्ट को रखना इधर, ये हो गया F2 2F2, ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पर,
तीसरा चौथा केस और ये हम लोग समझ रहे हैं पांचवा केस। एक रे ऐसे गई फोकस से पास करेगी, दूसरी रे यहां से गई और ये ऐसे होकर जाएगी तो इमेज यहां बनेगी। कैसी बनी? रियल लाइन इन्वर्टेड, छोटी बनेगी, स्मॉलर। और कैसी बनेगी? तो कहां बनेगी? F2 और 2F2, बिटवीन 2F2 और F2 के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे इन्फिनिटी पर तो इमेज बनेगी फोकस पर। सीधा बात मैं वो नहीं बता रहा हूँ यार, तुम लोग जेई वाले बच्चे हो, ये मैं नहीं बता रहा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर तो इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट, कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको मिटा दो। अब कॉनकेव के लिए समझते हैं। तो देखिए, कॉनकेव के लिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है, कॉनकेव के लिए घबराने की बात नहीं खे बाड़ू। कॉन्वेक्स लेंस हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी। ठीक है, अब समझिए, ठीक है, ओपन शॉपिंग होने लगता है कभी कभी, समझिए। अब हम लोग कर रहे हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। फोकस, फोकल लेंथ हम लोगों ने समझ लिया था, बात कर लेते हैं जल्दी से फोकल प्लेन की। फोकल प्लेन क्या होता है, थोड़ा समझिए। फोकल प्लेन, जैसे ये कनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, ये पोल है और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया। ये F1, ये 2F1, ये F2, ये F2 और ये 2F2। एकदम समझिए ध्यान से। एक रे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, एक रे ऐसे गई यहाँ से पास हुई, एक रे सीधे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये यहाँ पर इमेज। ठीक है, अब समझिए, सॉरी ज़बरदस्ती यहाँ उतार रहे हो यार, यहाँ पर इमेज बनी। अब हम क्या काम करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये रे डायग्राम आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, या ये समझिए, अगर देखो ये यहाँ पर हमने एक प्लेन लिया, ठीक है, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पर हमने इस इमेज को उतारा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्रीन। इसको क्या कहेंगे? स्क्रीन कहेंगे। अब दूसरी चीज समझिए, हम लोग क्या बात करें, फोकल प्लेन की। अब समझिए, अगर ऑप्टिकल सेंटर है और ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर, तो एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करी, इमेज यहाँ पर, ठीक है, इमेज यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्क्रीन डालते हैं। इस स्क्रीन पर जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है, पॉइंट हो या इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, इसको हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या है, बात समझ में आ रही है आपको? फोकल प्लेन, प्लेन मींस क्या, एक सरफेस एरिया होगा जो उस सरफेस को आप रखोगे फोकस पर, ताकि इनफाइनाइट इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को आप बाकायदा उस स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लो। तो अगर वो स्क्रीन फोकस पर आप डालोगे तो उस स्क्रीन को स्क्रीन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे फोकल प्लेन। अगर वो फोकस पर नहीं रखा हुआ है, कहीं और रखा हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्रीन कहेंगे। तो फोकल प्लेन क्या है, ये आप समझ गए। ये मैंने कनकेव मिरर और रिफ्लेक्शन में भी बताया था फोकल प्लेन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कंसेप्ट कुछ है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताकर इसको रफा दफा कर रहा हूँ। रफा स्पेनोल, कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव कॉनकेव आइए, कॉनकेव मिरर से, सॉरी कॉनकेव लेंस से अब हम लोग काम कर रहे हैं। कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, देखिए कॉनकेव लेंस में ज्यादा केसेस नहीं होंगे, दो ही केसेस हैं, इसलिए एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर। तो एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, इसको पीछे प्रोड्यूस किया गया, पीछे प्रोड्यूस किया गया, तो इमेज बनी यहाँ पर। कैसी इमेज बनी? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। और कहाँ पर बनेगी? तो एट एफ फोकस पर बनेगी। दूसरा केस देख लो यार, दूसरा केस देख लो, कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दो, इमेज कैसी बनेगी? पैरेलल गई, डाइवर्ज हुई, पीछे प्रोड्यूस किए, फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज बनेगी यहाँ पर। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिटवीन
फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और तीसरी चीज कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या करनी, लेंस फॉर्मूला उतार लिया, मैग्निफिकेशन समझ लिया, पावर को समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन समझ लिया है। तो इतनी चीजों को हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, जाकर फटाक से देख लो और आगे की नॉलेज को भी समझ लीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।